This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त मंडी अनिदम चौधरी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गुरु रविदास महासभा द्वारा मांग की गई है कि राजस्थान के जालौर जिले के गांव सुराना में हुए जातिवाद के शिकार मासूम को न्याय दिलाने, 22 साल पहले अनुसूचित जाति के शहीद प्रेमदास के नाम से बग्गे चौक का नाम व उनकी प्रतिमा लगाने और गागल के दिल्लू चौक पर वर्षा आश्रय बनाने का महामहिम राष्ट्रपति प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया है। इसको आरोप हिमाचल में हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आज जो गुरु रविदास महासभा स्टेट कार्यकारिणी के माध्यम से मंडी ऑफिस में जिलाधीश के माध्यम से राजस्थान के जालौर में जो स्कूल में एक अनुसूचित बच्चे के साथ घटना घटी उसके विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया गया और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे जघन्य अपराध के ऊपर लगाम लगाए और आए दिन ऐसी घटना हर स्कूल में हो रही है, हर स्टेट में हो रही है, हर जगह हो रही है। अगर स्कूलों में ऐसा व्यवहार किया जाता है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा और देश का भविष्य क्या होगा। हमारा सिर्फ इतना रोष है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, समाज हैं, जितना भी वर्ग है, वो सब जगह इसका विरोध कर रहा है और हम आगे भी करते रहेंगे। अगर सरकार इन चीज़ों के ऊपर संज्ञान नहीं लेती है तो हम और ज़ोर से करेंगे। दूसरा, 2002 में हमारे नाचन विधानसभा के एक भारत माता के सपूत प्रेमदास जी कारगिल में शहीद हो गए थे। उनके प्रतिमा को पिछले 4-5 साल पहले स्वीकृति मिल गई थी मगर आज तक उसका भी वहाँ पर लगना नहीं हुआ। इसके लिए भी हमने माननीय जिलाधीश जी को ज्ञापन दिया। और तीसरा, हमारा ये जो बल विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायत स्क्रोह में गागड़ के समीप जो वर्षालय है, रेन शेल्टर है, वो आज भारी बरसात के कारण ध्वस्त हो गया है। लोगों को वहाँ पर बरसात में खड़े होने की सुविधा नहीं है। इसके लिए भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय जी को ज्ञापन दिया। तो माननीय जिलाधीश महोदय जी ने आज इस तीनों चीज़ों को मानते हुए बोला कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे और आपकी जो है जो भी जायज़ मांग होगी उसके लिए हम धन का प्रावधान कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।